अटल टनल रोहतांग में अभी तक शिलान्यास पट्टिका स्थापित न करने को लेकर उपायुक्त कार्यालय कुल्लू के बाहर कांग्रेस का धरना जारी है। बुधवार को जिला मुख्यालय कुल्लू में जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धरना दिया और इस दौरान जिला प्रशासन, प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। अटल टनल रोहतांग में सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका को स्थापित करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने मांग की है कि अटल टनल रोहतांग से जो शिलान्यास पट्टिका हटाई गई है उसे दोबारा से लगाया जाए। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए शिलान्यास पट्टिका को टनल की उद्घाटन पट्टिका के साथ स्थापित नहीं किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी के साथ साथ युवा कांग्रेस विरोध करती है। अगर आने वाले समय में भी शिलान्यास पट्टिका स्थापित नहीं की जाती है तो प्रदेश में इसको लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीर सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर समय रहते शिलान्यास पट्टिका को स्थापित नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। हिमाचल की गुंगी, बहरी और अंधी जो सरकार बैठी है इसे भी आगाह करना चाहते हैं, आगामी कुछ दिनों में अगर शिलान्यास पट्टिका नहीं लगाई गई तो हम कांग्रेस कमेटी के साथ इसे मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर इसे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और साथ ही जयराम सरकार जो आए दिनों जन विरोधी फैसले लेती जा रही है उसके विरोध में भी जल्द युवा कांग्रेस कुल्लू जिले के अंदर एक बहुत बड़ा धरना करने जा रही है, जिसके लिए सभी साथियों का सहयोग हम चाहते हैं। और आज इस मंच से हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में कुछ दिनों में जो ये प्रदेश की जयराम सरकार बैठी हुई है, ये जो आए दिन बिजली के जो दाम, मीटरों की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन फीसें जो बढ़ाई जा रही है उसके विरोध में, और जो डिपो में जो राशन की महंगाई होती जा रही है उसके लिए हम जनता के साथ मिलकर इन जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। और ये शिलान्यास पट्टिका हम हिमाचल सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसे जल्द से जल्द लगाए, नहीं तो इससे भी बड़ा धरना कुल्लू जिले के अंदर किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।